डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ, आज का जो टॉपिक है, कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। तो आज जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, ये हमें पता है, ये हमने पढ़ा भी है कि ये प्लांट्स जो है इसमें गुजा बनने की प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स में फूड तैयार होता है इन सेल्स, इन मेसोफिल सेल्स व्हिच वी कॉल्ड फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटोसिंथेटिक सेल्स में फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स अपना गुजा बनाए इन द प्रोसेस ऑफ साया इन टू फॉर्म सिंपल शुगर और ग्लूकोज। और जब फोटोसिंथेसिस सेल्स में होती है, फोटोसिंथेटिक सेल्स में, वो हमें पता है, वो हमने एक्सप्लेन भी किया है, इसमें मटेरियल्स क्या लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर थ्रू रूट्स एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक सेल्स। इन चार चीजों की बदौलत, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन चार चीजों की बदौलत फोटोसिंथेसिस होती है। तो इस फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट गुजा बनता है, प्लांटों में गुजा बनता है, और वो क्या होता है, वो गुजा इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर विच वी कॉल्ड ग्लूकोज। सिंपल शुगर की शक्ल में गुजा बनता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। जो अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट, ये गुजा जो बना, ये ग्लूकोज जो बना, ये सिंपल शुगर जो बना इसमें गुजा, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हमें आज इसका ट्रांसपोर्ट पढ़ना है कि ये प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि ये जो प्लांट्स जो होते हैं, जो अपर पार्ट्स ऑफ द अपर ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं, इसमें स्टेम होता है, ब्रांच होते हैं और लीव्स होते हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया कि स्टेम भी थोड़ी स्टेम भी या मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है क्योंकि उसमें लेंटिकल सेल्स होते हैं। इसी तरह लीव्स में स्टोमेटा होता है, उसके जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इसका मतलब है कि स्टेम भी गुजा बना सकता है, जब गैस एक्सचेंज होता है तो वहां भी गुजा बन सकता है क्योंकि सेल में ऑलरेडी मिजो ये क्लोरोफिल होता है। तो इसका स्टेम भी बनाता है गुजा, इसके ब्रांचेस भी बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बनता है गुजा वो लीव्स में बनता है क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल की तादाद होती है, तो ग्रीन होते हैं, तो उसमें ज्यादा ये ग्लूकोज डेवलप होता है, ज्यादा सिंपल शुगर जो है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो बनता है लीव्स में ज्यादा। तो अदर सब्सटेंसेस लाइक, तो इसके अलावा, इस गुजा के अलावा और कौन सा चीज इसके साथ ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, दैट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में। तो और ये हार्मोन्स प्लांट में कहां बनते हैं, जिस तरह गुजा हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स में बनता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो इस तरह ये फोटोसिंथेसिस सेल्स में बनता है। अब ये हार्मोन्स जो है ये प्लांट्स में कहां बनते हैं, ये हार्मोन्स, तो प्लांट्स में ये हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन्स प्लांट्स में रूट टिप्स आर मेड इन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। वो रूट टिप्स जो होते हैं और शूट्स जो होते हैं प्लांट के, रूट्स और शूट्स, उनके टिप्स में ये हार्मोन्स डेवलप होते हैं, वहां बनते हैं, और ये भी इसी फूड के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में। Every part of the plant needs food. हर एक प्लांट के हिस्से को गुजा की जरूरत होती है, चाहे वो लीव हो, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, तो हर एक को गुजा की जरूरत है। अब इसमें मसला ये है कि ये जो लीव्स जो है वो सफिशिएंट गुजा बनाते हैं, लीव्स में सबसे ज्यादा गुजा बनता है, तो ये खुद इस्तेमाल भी करते हैं, और जहां जहां स्टेम में या ब्रांचेस में कहीं कमी होगी तो वहां भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके अलावा ये गुजा रूट्स में भी ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, वहां सनलाइट नहीं पहुंचती, इसलिए वहां गुजा नहीं बनता है, तो वहां भी ये गुजा ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड्स फूड, सो इट इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी पार्ट। इसलिए हर एक पार्ट तक पहुंचता है, रूट तक भी पहुंचता है, स्टेम्स तक, ब्रांचेस तक ये पहुंच जाता है जहां जहां इसकी कमी हो। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू। अब ये मसला है कि ये फूड जो है ये ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट होती है, कम मूवमेंट होती है लेकिन मूवमेंट होती है फूड की,
क्योंकि हर एक पार्ट बना सकता है, अपर ग्राउंड पार्ट बना सकता है गुजा, अगर कहीं कमी होती है तो वो ट्रांसपोर्ट होना लाजमी है, जहां ज्यादा हो वहां से ट्रांसपोर्ट होता है कम जगहों पर। तो अब ये फूड जो है ये इम्प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, दिस फूड इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम टिश्यू। ये फ्लोएम टिश्यू जो है, फ्लोएम टिश्यू के जरिए प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स इज कॉल्ड, और जब ये इस फ्लोएम के जरिए ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम, और जब इस फ्लोएम के जरिए फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के जरिए जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है, डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स, क्योंकि इस फ्लोएम में कुछ लिविंग सेल्स होती है जिनके जरिए ये मूवमेंट ऑफ फूड होता है इस फ्लोएम में, उन सेल्स को क्या कहा जाता है, उन सेल्स को कहा जाता है, दीज सेल्स आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स, उनको सीव ट्यूब्स कहा जाता है। और ये सीव ट्यूब्स किस में होते हैं, ये फ्लोएम में होते हैं, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होते हैं। सीव ट्यूब्स जो होते हैं दे आर जॉइंट एंड टू एंड, सीव ट्यूब्स जो फ्लोएम में होते हैं वो एंड टू एंड जॉइन होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं एंड टू एंड, तो फॉर्म ए लॉन्ग ट्यूब, और इस फ्लोएम में एक लॉन्ग ट्यूब बन जाता है इन सीव ट्यूब्स का, इस फ्लोएम में जो एंड टू एंड जॉइन होते हैं इसका एक लंबा लंबा ट्यूब बन जा, पाइप जैसी बन जाती है, तो फॉर्म ए लॉन्ग ट्यूब। सीव ट्यूब्स हैज, ये सीव ट्यूब्स जो होते हैं ये लिविंग सेल्स होती है, सीव ट्यूब्स जो फ्लोएम में होते हैं ये लिविंग सेल्स होती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब्स हैज साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म होता है बट नो न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस इसमें इन सीव ट्यूब्स में, ये लिविंग सेल्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। सीव ट्यूब्स हैव अ, इसके अलावा इस सीव ट्यूब्स में क्या होता है, इसके अलावा इस सीव ट्यूब्स हैव अ कंपेनियन सेल्स, इसमें कंपेनियन सेल्स भी होती है, कंपेनियन सेल्स नेक्स्ट टू इट जो इसके साथ होती है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसी के जरिए फ्लोएम इन विच देयर इज सीव ट्यूब्स एंड इन सीव ट्यूब्स देयर इज कंपेनियन सेल्स, तो इन्हीं के जरिए ये फूड प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब ये कैसे होता है, इसकी थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊं ये कैसे होता है। द शुगर विच बी कॉल्ड सिंपल शुगर, ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं, द शुगर इन लीव्स, जब ये लीव्स में बनता है इज लोडेड इन टू सीव ट्यूब्स, जब ये इसमें बनता है ये लोड होता है सीव ट्यूबों में, ये चढ़ जाता है सीव ट्यूबों में, जाता है लोड होता है उन सीव ट्यूब्स में, और फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू के सीव ट्यूब्स में, फ्लोएम टिश्यू के सीव ट्यूब्स में ये लोड होता है बाय यूजिंग एनर्जी। तो किस कैसे ये इसमें लोड होता है, ये इसमें एनर्जी लगती है, वो एनर्जी होती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जो एनर्जी होती है सेल्स में, जो रेस्पिरेशन के जरिए डेवलप होती है, जो सेल्स में रेस्पिरेशन होती है वहां जो एनर्जी बनती है उसको हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, वही एनर्जी की बदौलत ये फूड ग्लूकोज या जिसको हम शुगर भी सुपर शुगर भी कहते हैं वो कैसे सीव ट्यूब्स में लोड होता है, वो इस एनर्जी के जरिए लोड होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के जरिए लोड होता है। और क्या होता है, हो गए इसमें लोड, जब ये लोड होता है इन सीव ट्यूब्स में, वाटर इंटर्स इन सीव ट्यूब, उसके बाद पानी जो होता है जो रूट से आता है वो भी इन सीव ट्यूब्स में जाता है, वाटर इंटर्स इन टू सीव ट्यूब, जब पॉइंट कंटेनिंग शुगर, और ये शुगर उसके साथ मिल जाता है, ये शुगर और ये शुगर और ये पानी जब मिल जाता है तो फिर क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के जरिए पानी जो होता है इस सीव ट्यूब्स में ओस्मोसिस के जरिए जाता है, ड्यू टू विच प्रेशर इन फ्लोएम टिश्यू राइजेस, इससे क्या होता है इन फ्लोएम टिश्यूज में जो सीव ट्यूब्स होते हैं जिसमें ये लोड होता है या ग्लूकोज और पानी भी ओस्मोसिस के जरिए इसमें चला जाता है, इसकी वजह से इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, फ्लोएम में प्रेशर बढ़ जाता है, इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस प्रेशर मूवमेंट ऑफ फूड इज इन फ्लोएम ऑकर्स, तो ये मूवमेंट करना शुरू होती है इन सीव ट्यूब्स में, इस फ्लोएम में इस फूड की मूवमेंट शुरू हो जाती है इस प्रेशर की वजह से, एंड फूड रीचेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो इस तरह इस प्रेशर की वजह से ये फूड प्लांट के हर एक
हिस्से तक जहां इसकी जरूरत हो, ज्यादा जरूरत रूट्स में होती है, जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती है वहां पहुंच जाता है, और जहां शूट्स में या स्टेम में कहीं कमी होती है तो वहां भी ये पहुंच जाता है। तो इसकी मैं थोड़ी बहुत आपको डायग्राम, इस या ये फ्लोएम जो है, फ्लोएम की मैं आपको डायग्राम भी यहां दिखाऊंगा, ये फ्लोएम सेल कैसे कैसी होती है। हाँ, तो फ्लोएम सेल की ये डायग्राम है, तो ये जो है इसको सेल वॉल कहा जाता है, सेल वॉल, दीज आर सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, दिस इज कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम मेड ऑफ सीव ट्यूब्स, ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम मेड ऑफ सीव ट्यूब्स। तो ये डायग्राम है फ्लोएम की, फ्लोएम टिश्यू जो होता है ये इसकी डायग्राम है। तो इसमें कौन कौन सा चीज आता है, इसका सेल वॉल जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, सीव ट्यूब्स, इसमें दो चीजें होती है इस फ्लोएम में, एक सीव ट्यूब्स होती है, इनको सीव ट्यूब्स कहा जाता है, और ये जो होती है इसको कहते हैं कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन जो इसके साथ लिंक हुआ होता है। तो ये सीव ट्यूब्स जो दे आर जॉइंट एंड टू एंड, ये एंड टू एंड जॉइन होते हैं, जिसकी वजह से इसको ये ट्यूब बन जाता है, ये ट्यूब्स बन जाते हैं। तो इसके साथ ये कंपेनियन सेल्स भी जाएंगे। तो ये डायग्राम है इस फ्लोएम टिश्यू की, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम मेड ऑफ सीव ट्यूब्स, ये फ्लोएम की स्ट्रक्चर है जो सीव ट्यूब्स की बनी है। तो ये आज का टॉपिक था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इस तरह फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। ओके, थैंक यू।